हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। सब अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक्स की। सेपरेशन टेक्निक्स चल रही थी, उसमें नियर अबाउट सारी सेपरेशन टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। किसमें? बेसिकली हम एयर के कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एयर के कंपोनेंट भी सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कंपोनेंट्स ऑफ एयर का मतलब एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर क्या वो डिफरेंट टाइप गैसेस प्रेजेंट होंगी, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, जैसे कि आर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप गैसेस प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कुछ गैसेस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करके। ठीक है, तो हम समझते हैं कैसे कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज डिफरेंट गैसेस कैन बी सेपरेट आउट फ्रॉम दिस प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो एयर होती है उसको हम प्योरीफाई कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले हमें एयर जो है, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, हम क्या करेंगे उस एयर को प्योरीफाई करेंगे। किससे? जैसे एयर को सबसे पहले क्या करेंगे, एयर जो है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसको हम रिमूव आउट कर लेंगे डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करके। उसके बाद एयर जो है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो उसके बाद उस एयर को हम पास करेंगे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से। किससे पास करेंगे? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा का मतलब होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें से पास करते हैं किस लिए? एयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट होती है उस CO2 गैस को सेपरेट आउट करने के लिए सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, जो CO2 गैस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करके एक डिफरेंट सब्सटेंस बना लेती है। उससे क्या होगा, जो एयर में जो CO2 गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाएगा इससे पास करने के बाद, क्या होगा? CO2 गैस एब्जॉर्ब्ड। CO2 गैस क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे एयर को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से पास करेंगे तो CO2 गैस एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद जो आगे एयर आएगी वो एयर इज फ्री फ्रॉम CO2 गैस। जो एयर आएगी, एयर इज फ्री फ्रॉम CO2 गैस। जो एयर है वो CO2 गैस से क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। अब एयर जो है CO2 गैस से फ्री होगी। इसके बाद एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर कैसे रिमूव करेंगे? हम वाटर वेपर को रिमूव करवाने के लिए जो एयर है जिसमें CO2 गैस नहीं है उसको हम पास करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से। किससे पास करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो एयर को पास करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सॉल्यूशन से पास करेंगे, एयर इज फ्री फ्रॉम वाटर वेपर्स। तो एयर इज फ्री फ्रॉम, एयर इज फ्री फ्रॉम वाटर वेपर्स। एयर जो है वाटर वेपर से क्या हो जाएगी बेटा? फ्री हो जाएगी। अब इसमें ना CO2 गैस है ना वाटर वेपर्स है। इसके बाद जो एयर है इस एयर को हम क्या करेंगे बेटा? कंप्रेस करेंगे। कैसे? हाई प्रेशर पे। कंप्रेस करने के साथ उसका टेम्परेचर भी लो करेंगे, ताकि आपको पता है कि हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो इसके बाद जो एयर आएगा इसको क्या करेंगे? बाय यूजिंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जब हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज़ करेंगे तो जो एयर है वो किस फॉर्म में हो जाएगी? लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लिक्विड एयर को हम थोड़ा सा क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से दोबारा से गैस में कन्वर्ट होगी। इस गैस
जैसे हम इस गैस को पास करेंगे फ्रैक्शनल टावर से, फ्रैक्शनल टावर एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ किया जाता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इस जो लिक्विड एयर है इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। इस तरीके से जो डिफरेंट गैसेस अलग होंगी, जैसे क्या कौन कौन सी गैस अलग हो सकती है, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो हमें याद करना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका क्या क्या है। अगर हम नाइट्रोन की बात करें तो नाइट्रोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्गन का, तो आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों गैसेस जो थी तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे क्या हो गई, सेपरेट आउट हो गई। इस तरीके से हमने एयर में से डिफरेंट गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे हमने तीनों गैसेस को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट आउट कर लिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कंपोनेंट्स हैं एयर में कौन कौन से बेसिकली हमने सेपरेट किए, एक तो हमने सेपरेट किया नाइट्रोजन गैस, एक आर्गन गैस और तीसरा था ऑक्सीजन गैस, तीनों गैसेस को हम सेपरेट आउट कर लेंगे। इसके लिए मैंने आपको रूट बताया, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसके बाद बता देता हूँ, एक बार मैं दोबारा इसको बता देता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले एयर को फिल्टर पेपर से पास आउट करेंगे ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाए। उसके बाद उसको कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से, कास्टिक सोडा का मतलब NaOH से पास करेंगे, और फिर इसमें क्या होगा, CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। CO जिसमें एयर फ्रॉम CO2 गैस है उसको हम पास करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से, उससे क्या होगा, एयर इज फ्री फ्रॉम वाटर वेपर्स, एयर में वाटर वेपर्स नहीं होंगे। उसके बाद हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो हमारे पास एयर आई थी वाटर वेपर्स और CO2 गैस से फ्री जो थी, उसको हम क्या करेंगे, लिक्विड एयर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे तीन गैसेस को अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब उसका अगला पार्ट जो है वो अब समझते हैं, देखिए अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में बात करते हैं, तो अगले पार्ट का जो है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो एयर आई थी, लिक्विड एयर भी कह सकते हैं बेसिकली, लिक्विड एयर, जो लिक्विड एयर है उसको क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, हीटेड करेंगे लिक्विड एयर को, क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, सो दैट दे कन्वर्ट इनटू गैसेस फॉर्म। हीट क्यों करेंगे, ताकि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेस फॉर्म में। उसके बाद इसको फ्रैक्शनल टावर, फ्रैक्शनल टावर में पास करेंगे। फ्रैक्शनल टावर मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो जैसे हमने फ्रैक्शनल टावर से इस गैस को पास किया, तो तीन टेम्परेचर पे तीन कंपोनेंट जो एयर के हैं, तो मींस डिफरेंट गैसेस जो है वो हमें सेपरेट आउट कर ली। देखते हैं कौन कौन सी। पहली जो गैस अलग करी गई वो थी नाइट्रोजन गैस, और इसको कैसे अलग किया, इसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे, इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसके बाद आर्गन, आर्गन जो गैस है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा -186 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, -186 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस -183 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारे पास एयर आई उस एयर में डिफरेंट गैसेस को हमने सेपरेट आउट कर लिया। तो इसका मतलब जो सेपरेशन टेक्निक है बेसिकली डिफरेंट मिक्सचर्स पे अप्लाई होती है, तो एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर के कंपोनेंट पे हम सेपरेशन टेक्निक को वर्क कर सकते हैं। तो समझ में आएगा आपको कि कैसे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर है वो सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो यहाँ आके ना हमारा जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है। थैंक यू।